और बाद पाकिस्तान की पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल के बीच बड़ी साजिश। जी हां, भारत में आईएसआई की नई साजिश का खुलासा हुआ है। आतंक फैलाने के लिए नया आतंकी गुट तैयार किया, अल नासिर नाम का नया आतंकी गुट तैयार हुआ है। मार्च में पीओके के होटल में हुई थी बड़ी बैठक, बैठक में आईएसआई अधिकारी वागड़ा और सैयद सलाउद्दीन मौजूद था। तो एक बड़ा षड्यंत्र पाकिस्तान की तरफ से नए संगठन के माध्यम से। तो बड़ी खबर है, एक तरफ पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल है, लेकिन भारत में अशांति फैलाने की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से जारी हैं। भारत में घुसपैठ की कोशिश और जो जानकारी मिल रही है, एक होटल के भीतर ये बड़ी बैठक की गई थी और आईएसआई अधिकारी वागरा ने लॉन्चिंग पैड का दौरा भी किया था। नए अंडरग्राउंड वर्कर्स तैयार करने को कहा गया था। घाटी के अंदर और भारत के अंदर अशांति फैलाने की एक नई कोशिश नए प्लेटफॉर्म के जरिए। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, एक तरफ तो पाकिस्तान में अंदरूनी हालात ठीक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आईएसआई हो, सलाउद्दीन जैसे लोग हों, ये भारत में अशांति फैलाने की नई नई कोशिशें कर रहे हैं। इस नए लॉन्चिंग पैड के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो अलर्ट है, इस अलर्ट के बाद तीन मुख्य बातें तो मुख्य तौर पर सामने आई है। उन्हें सबसे पहले पीओके के पीसी होटल में जहां पर ये मीटिंग हुई, वहां पर बकायदा आप कश्मीर के अंदर आतंक फैलाने के लिए एक नए गुट का तैयार किया गया है। इसका नाम अल नासिर दिया गया और इस आतंकी गुट के जरिए कश्मीर को टारगेट करने की बात कही गई है इस मीटिंग के अंदर। इसके अलावा नए ऐसे मार्ग ढूंढने की बात कही गई है जहां से नार्को टेररिज्म को अंजाम दिया जा सके, जहां से बड़ी संख्या में ना सिर्फ ड्रग्स बल्कि हथियार भी सप्लाई हिंदुस्तान के अंदर किए जा सके आतंकियों को। नए ओवरग्राउंड वर्कर तैयार करने की बात हुई है। और इसके अलावा इस बैठक के अंदर सबसे अहम बात यह है कि वहां पर जो आईएसआई का अधिकारी है कर्नल वागरा, उसके साथ हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया यानी कि मोस्ट वांटेड सैयद सलाउद्दीन भी मौजूद था। उसने बकायदा भारत के नजदीक जो बॉर्डर के ऊपर लॉन्चिंग पैड है वहां का दौरा भी किया इनके साथ। और साथ ही ये भी बोला गया कि नए आतंकियों को तैयार किया जाए, नए मार्गों की तलाश की जाए और साथ ही जो बॉर्डर है वहां पर युद्ध से संबंधित जितने भी हथियार होते हैं उन हथियारों को रखने के लिए बकायदा की स्टोर भी तैयार की जाए। तो ये वो तमाम बातें हैं जो सामने आई हैं। और उनके बाद अब जो भारतीय जांच एजेंसी है वो भी पूरे तरीके से हाई अलर्ट पर है बॉर्डर पर। जी शुक्रिया आपका इस अपडेट के। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।